एवरीवन, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है लीटकोड का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स, कंप्यूट एंड रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमें एक्स वैल्यू दी होगी, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। सिंस द रिटर्न टाइप इज एन इंटीजर, द डेसिमल डिजिट आर ट्रंकेटेड। हमें एन ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द रिजल्ट रिटर्न, हमें केवल इंटीजर पार्ट उसका रिटर्न करना है। मान लो अगर 2 पॉइंट समथिंग है तो हमें 2 उसको रिटर्न करना पड़ेगा। नोट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज द बिल्ट एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर सच एज पावर। हमें कोई भी जो पहले से फंक्शन डिफाइन होता है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे जावा में, जैसे स्क्वायर रूट आया तो हम जावा में मैट डॉट पावर एक्स कॉमा 0.5 करके अपना स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये सब नहीं करना है। तो हम करेंगे कैसे, हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च कैसे होता है थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे पास 4 नंबर है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको 1 से। 1 हम 1 2 4 हम एक वैल्यू ले लेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, हमें मिड पॉइंट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट क्या होगा इसका, 2। मिड पॉइंट 2 होगा, और अगर हम मिड इंटू मिड करेंगे 2 इंटू 2, अगर 4 आ गया, 4 आ गया इंटू, अगर मिड इंटू मिड x की वैल्यू आ गई, x मतलब 4, 4 आ गया तो हम मिड को प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं आया, जैसे हम ये वाला आंसर अगर ले लें, सेकेंड एग्जाम्पल 4 5 6 7 एंड 8, 8 ले लिए, इसमें मिड क्या हो गया, इसमें मिड आया 4 आएगा मिड में। तो 4 इंटू 4 मिड इंटू मिड क्या होगा, 16, जो 8 से बहुत बड़ा है। इसका क्या मतलब है, अगर इसके आगे जितने भी वैल्यू होंगी उसका स्क्वायर 8 से बड़ा ही होगा 5 का, जो 4 का स्क्वायर 16 5 का 25 से बड़ा होगा। तो हम अपना सच स्पेस रिड्यूस कर देंगे इतने में। वो कैसे करेंगे, हम एंड को पहले स्टार्ट इधर था एंड इधर, तो हम अपना एंड को हम मिड माइनस 1 कर लेंगे, तो ये इतने में रिड्यूस हो जाएगा। तो हम अपना सर्च स्पेस हमारा रिड्यूस हो गया इतने में, ये हो गया। अब हम इसमें सर्च करेंगे तो ऐसे हमारे फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें ध्यान रखना है कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम कोड करते हैं। हम लॉन्ग वैल्यू लेंगे, लॉन्ग स्टार्ट इज इक्वल टू 1, हम 1 लेंगे 0 नहीं लेंगे, एंड लॉन्ग एंड इज इक्वल टू एक्स। देन हम अपना पहले एक आंसर वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं जिसमें अपना आंसर सेव करेंगे। इनिशियलाइज में 0 कर देता हूँ उसको। देन व्हाइल, जो ये बेसिक बाइनरी सर्च का सिंटैक्स होता है, फिर हम मिड फाइंड कर लेंगे। मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। अब इफ मिड इनटू मिड इज इक्वल टू मिड इंटू मिड इज इक्वल टू एक्स हो गया अगर, तो हम एंस को आंसर वैल्यू को अपने हम मिड वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। और मिड हमें यहाँ दिया हुआ है एक इंटीजर पार्ट, तो हमें यहाँ पे इंटीजर पार्ट लेना है, तो हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं। हमें इंटीजर पार्ट लेना है एंड ब्रेक, यहाँ हम ब्रेक कर देते हैं। और अगर if else if mid into mid अगर less than हो गया, less than हो गया x के, तो हम क्या करेंगे, तो अपना start को हम अपना सर्च स्पीड राइट शिफ्ट में कर लेंगे। तो हम start is equal to mid plus 1 कर लेंगे, and एंस इज इक्वल टू मिड, एल्स इफ एल्स एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। फिर लास्ट में हम अपना रिटर्न कर देंगे आंसर को, रिटर्न इंटीजर वैल्यू ऑफ आंसर, आंसर ओके। अब रन करते हैं कोड को, चेक करते हैं, इट्स एक्सेप्टेड। अब हम अपने टेस्ट केस में 8 लेके देख लेते हैं, जैसे 8 एग्जांपल दिया हुआ, ये होता है या नहीं।
एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। नाइन 10.9% करेक्ट। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।